गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आप लोगों ने मैथ्स में वाणिज्य गणित में एक्सरसाइज 12E तक पढ़ा है। आज हम आपको एक्सरसाइज 12F के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि कितना होगा 250 का 30%। इसी तरह सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। तो बच्चों, इसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जैसे पहला क्वेश्चन है 250 का 30%, तो आप लिखेंगे 250 गुणे 30 बटे 100। अब इसका शून्य इसके शून्य से कट गया, इसका शून्य इसके शून्य से कट गया, तो शून्य तो सारे हट गए, जीरो सारे हट गए। अब 25 को 3 से गुणा करेंगे आप रफ में, तो 75 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, 300 का 40%। तो 300 का 40% भी उसी तरीके से हल किया जाएगा जैसे कि आपने पहला किया है। तो इसमें इसको किस तरीके से हल करेंगे, 300 लिखेंगे इंटू 40/100। फिर ये जीरो इस जीरो से कटा, ये जीरो इस जीरो से कटा, ऊपर क्या बचा 30 और यहाँ पे 4, तो 30 चौक होता है 120। तो 120 आंसर लिख देंगे। फिर थर्ड में 120 किलोग्राम का 45%, तो 120 किलोग्राम इंटू 45/100 लिखा, तो ये जीरो एक इससे कट गया, ठीक है। अब बचा 45/10, तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 × 10 5 × 9 = 45। यहाँ 9 है और यहाँ 6 है ना, 2 × 12, 2 से हमने काट दिया, 2 × 12, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 6 और 9, 6 और 9 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 54 किलोग्राम। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है 678 लीटर का 75%। तो 678 गुणे 75/100 कर देंगे। अब 25 के पहाड़े में दोनों आता है, 25 × 75, 25 × 100, तो ऊपर 3 रहा नीचे 4 आया। अब 4 × 4, अब यहाँ काटा है, 4 × 4 2 बचा, 4 × 24 3 बचा, 4 × 7 = 28। अब 167 गुणा 3 आया, इन दोनों को गुणा किया तो 501 लीटर आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में है कितने प्रतिशत होगा, पहला है 144 में से 48, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहले में 144 में से 48, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम 48 ऊपर लिखेंगे, लिखा है ना 144 में से 48, यानी 48/144। अब प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जब 1/100 होता है तो वो प्रतिशत का होता है, तो हम इसको 100 से गुणा दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो भाग वाला प्रतिशत के निशान में बदल गया और गुणे वाला इसके अंदर आ गया। अब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो 48 के पहाड़े से हमने काट दिया। देखिए 48 को अगर 3 से गुणा करें तो ये आ जाता है, 3 × 8 = 24, 3 × 12 = 14, तो 48 × 1 = 48, 48 × 3 = 144, तो 100/3 आया और इसको भाग देंगे तो 33.3% आंसर आ जाएगा। दूसरा है 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम। अब यहाँ किलोग्राम और किलोग्राम लिखा है तो ये इजी है करना, तो 220 में से 55 का हम निकाल लें प्रतिशत, तो 55/220 करेंगे और 100/100 करेंगे, ये बटे वाला 100 प्रतिशत में बदल जाएगा और ऊपर वाला 100 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 55 को हम 4 से गुणा करें तो 4 × 20, 4 × 20 = 22, 220 आ जाता है, तो ये 55 × 55, 55 × 220, तो ये 100/4 आया। अब 25 के पहाड़े में 100 आता है, 25 × 100, तो 4 और 100 को काटेंगे तो 25% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है ₹5.25। तो आप लोगों ने पैसे का जमाना तो देखा नहीं है, 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल तो आपको पुराने समय में जो पैसे चलते थे उनके भी आएंगे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने होंगे, 500 पैसा। अब पैसा और पैसा दोनों तरफ होना चाहिए, यहाँ रुपए और पैसा था, तो जब रुपए और पैसा होता है तो इकाई को बदल लेना पड़ता है, दोनों को पैसा करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 500 पैसा आ गया है ना, 500 पैसे का 25 पैसा, तो 25/500 किया गुणे 100/100, नीचे वाला 100% में बदल गया। अब इसको हमने काटा 100 से, 100 × 100, 100 × 5 = 500, 5 से इसको काटा, 5 × 5 = 25, तो 5% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 18 किलोग्राम का 450 ग्राम।
अब यहाँ पे भी देखिए किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, तो पहले 18 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 18 किलोग्राम बराबर 18000 ग्राम। तो अब हमें आंसर निकालना 18000 ग्राम का 450 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, तो 450 को ऊपर लिखेंगे, 18000 को नीचे, गुणे 100/100 करेंगे, नीचे वाला 100% में बदल गया और ऊपर वाला जो है 100 गुणे में आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो इसके दो जीरो के दो जीरो से कट जाएंगे। इसके बाद हमने इसको काटा है 5 के पहाड़े से, 5 9 45 ये जीरो उतर आया, 5 3 15 5 6 30 तो 90/36 आया। अब 18 के पहाड़े में 18 की टेबल में 18 2 36 18 5 90 तो ये 5/2% हो गया आंसर। तो इसके 4 पार्ट बताए पहले के, दूसरे के 4 पार्ट बताए हैं। इसके बाद इबारती प्रश्न है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या होगी, 1500 × 75/100, इस निशान को हमने बटे में बदल दिया। अब देखिए ये दो जीरो इस दो जीरो से कट गए और क्या आया, 15 × 75 रफ में गुणा करेंगे तो 1125 बच्चे आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो सबसे पहले तो हम सवाल में लड़के ज्ञात करेंगे, कैसे, कुल बच्चों में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, तो रफ में घटाइएगा तो 2800 में से 980 घटाएंगे तो 1820 आएगा। अब लड़कों का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1820 ऊपर लिखेंगे, कुल बच्चे नीचे लिखेंगे, गुणा 100 और ये प्रतिशत हो गया निशान, जैसे 100/100 करते थे। अब ये दो जीरो इस दो जीरो से कट गए, क्या बचा, एक 1820/28 बचा। जब हम इसको काटेंगे तो ये जो है 7 के पहाड़े से काटा है, 7 × 4 = 28, फिर 7 × 2 = 14, 4 × 7 = 42 और 0 का 0 उतार दिया, तो 260/4 प्रतिशत। अब 4 से फिर काटा, 4 × 6 = 24, 2 × 4 = 20, तो आंसर हो गया 65% लड़के हैं। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, कल हम आपको दूसरे वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन समझाएंगे और इसको अच्छे से जो रफ वर्क है गुणे का उसको रफ वर्क में जरूर करिएगा।